हेलो एवरी आई वेलकम यू ऑल टू द इनफिन डिविजन प्लेटफॉर्म राइट नाउ आई बी डूइंग वन सच क्वेश्चन दैट केम इन योर जे मीन एग्जामिनेशन दिस क्वेश्चन केम ऑन एटींथ मार्च 2021 शिफ्ट टू तो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन और ये इसी साल का क्वेश्चन है सो जल्दी से क्वेश्चन देख लो क्वेश्चन ऑल दो इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं आपके जेई मेन्स में और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके सेम टाइप के क्वेश्चन पूछा हुआ है देखो अ कॉन्स्टेंट पावर डिलीवरिंग मशीन हैज़ टोल्ड अ बॉक्स विच वॉज इनिशियली एट रेस्ट तो दैट मीन्स कि कोई मशीन वर्क कर रहा है एंड कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है ऑन सर्टेन बॉक्स विच इज इनिशियली एट रेस्ट अलॉन्ग हॉरिजोंटल स्ट्रेट लाइन सो दैट मीन्स अगर उस पर वर्क हो रहा है सो स्ट्रेट लाइन में ही वर्क हो रहा है सो दैट मीन्स द वर्क डन बाय दिस मशीन और दिस कॉन्स्टेंट डिलीवरिंग मशीन मस्ट बी इंक्रीज इन इट्स कैनेटिक एनर्जी बिकॉज इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट ठीक है सो so, पूछा क्या है द डिस्टेंस मूव बाय द बॉक्स इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू तो कितना होगा तो जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम के किस टाइप से प्रोपोर्शनल है दैट यू नीड टू फाइंड आउट सो जल्दी से हम देख लेते हैं वी ऑलरेडी नो दैट वर्क डन बाय दिस मशीन इज नथिंग बट पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज नथिंग बट चेंज इन इन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकॉज दैट वुड बी द गेन इन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ सो कितना होगा हाफ एम वी स्क्वायर लेट की वो टी टाइम के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई वी हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी जीरो था है ना अब इसमें कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट है आपकी पावर जो कि ऑलरेडी कांस्टेंट है मास इज ऑलरेडी कांस्टेंट टू इज न्यूमेरिकल कांस्टेंट सो इसको उधर ले लेते ले ले हैं तो क्या आएगा यू विल बी गेटिंग एज ओके सो टू पी टी वुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर है ना सो so, इसको इधर ले लेते ले हैं टू पी बाय दिस इज अ कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओके okay, अगेन इसको फर्दर सॉल्व कर लो वी वुड कम्स आउट टू बी वी इन द टर्म्स ऑफ टी ऑलरेडी आ गया है इसको आप क्या करेंगे है? हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे सो so, जल्दी से लेके आओ अगर दिस इज अ अंस्टेंट लेट इट बी अ अन्सटेंट के कोई के ले, ले लेते हैं हम कोई कॉन्स्टेंट रूट ऑफ अंडरूट टू पी बाय एम लेट इट बी अ के सो द टी वुड बी इक्वल टू हाफ यही हो जाएगा अब क्या करना है आपको कुछ नहीं करना

इन्होंने यह मेंशन नहीं किया है कि वो कौन से आ, किस पोजीशन से स्टार्ट हुआ है बट हम लेके चलते हैं कि t इक्वल जीरो पे जीरो सेकंड पे इसकी डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन पे इसे ही स्टार्ट हुई है ठीक है एट t इक्वल सर्टेन टाइम t, इट्स डिस्प्लेसमेंट लेट इट बी s, किसकी डिस्प्लेसमेंट s हो गई है तो इसको अगर फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे वट विल बी गेटिंग सो एस मस्ट बी इक्वल टू टाइम्स ऑफ टी की पावर थ्री बाई टू डिडेड बाय थ्री बाय टू दिस यूल बी गेटिंग ओके सो द डिस्प्लेसमेंट वुड बी इक्वल टू थ्री बाय टू टी की पावर थ्री बाय टू सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का पावर थ्री बाय टू सो दिस एक्सप्रेशन दैट यू आर गेटिंग ओके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है इसको डिफरेंट फॉर्म में भी और भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में भी कर सकते हो बट इस स्टेप से आप करेंगे तो ज्यादा आपको क्लैरिटी आएगी ঠিক আছে আই হপ দ কেশশন ইজ ক্লিয়াৰ টু এৰিন থেংক ইউ